हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक के बारे में। तो जो भी छात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं CUET 2024 के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। हम इस वीडियो में क्या क्या जानकारी देखेंगे वो भी हम संक्षिप्त में जान लेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हम इस वीडियो में क्या क्या देखने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले तो देखेंगे इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के फ़ायदे, अबाउट यूनिवर्सिटी देखेंगे हम, यूनिवर्सिटी के बारे में देखेंगे हम, देखेंगे कोर्सेस लिस्ट, डोमेन सब्जेक्ट, किस कोर्स के लिए कौन से डोमेन सब्जेक्ट चॉइस करने होंगे हम, एप्लीकेशन डेट देखेंगे, एग्ज़ाम डेट देखेंगे, कब फॉर्म भरे जाएंगे, कब एग्ज़ाम होगा, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अब इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इस्टेब्लिशमेंट इन 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। लोकेशन की बात करें तो ये अमरकंटक में स्थित है, और कैंपस की बात करें कैंपस एरिया तो 372 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी का कैंपस फैला हुआ है। यूनिवर्सिटी लैंग्वेज की बात करें कि कौन कौन सी भाषा में यहाँ पे आप कोर्सेज कर सकते हैं, पढ़ाई होती है, तो यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी इन दोनों भाषाओं में आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हैं। हिंदी में भी यहाँ पे क्लासेस कंडक्ट की जाती हैं, इंग्लिश में भी आप दोनों ही लैंग्वेज में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि हम हिंदी मीडियम से हैं क्या एडमिशन ले सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल दोनों भाषा के छात्र यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पे पढ़ने के फ़ायदे, इसके बाद हम कोर्सेस लिस्ट भी देखेंगे। लेकिन छात्र यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं तो उनके लिए ये जानकारी होना चाहिए कि हम एक केंद्रीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लेंगे तो क्या क्या फ़ायदे हमें मिलने वाले हैं। और मैंने इस टॉपिक पे पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप उसमें डिटेल में जानकारी देख सकते हैं। इसमें मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ क्या क्या फ़ायदे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि IGNTU यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक ब्रांड वैल्यू होता है, अपने आस पड़ोस के छात्र पढ़ते होंगे तो उनकी बहुत ही तारीफ होती है, तो आप इससे ही समझ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का एक ब्रांड वैल्यू होती है यूनिवर्सिटी की। और सेकंड नंबर बात करें तो यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर बहुत ही कम आपको यहाँ पे करने होगा, बहुत ही कम फीस में आप यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। यहाँ पे हम बात करें तो क्वालिफाइड फैकल्टी, यहाँ की जो फैकल्टी होगी प्रोफेसर होंगे वो वेल क्वालिफाइड होंगे, सभी PhD किए होंगे, तो एक्सपीरियंस टीचर्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। फोर्थ नंबर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कैंपस होगा, बिल्डिंग्स होंगी, जो आपका क्लासरूम होगा वो वेल डेकोरेटेड होगा, अच्छा होगा। और हम फिफ्थ नंबर देखें तो हॉस्टल यहाँ पे आपको अवेलेबल हो जाएगी, कैंपस में ही आपको हॉस्टल अलॉट हो जाएगी, तो आपको हॉस्टल फैसिलिटी भी मिल जाएगी यहाँ पे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि सिक्स नंबर, प्लेसमेंट, बहुत से कोर्सेज ऐसे होते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में जिनमें आपको बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट यहाँ से मिल सकता है, तो आप देख सकते हैं कौन से कोर्सेज में प्लेसमेंट अच्छा मिलता है। तो ये हमने देखा शॉर्ट में क्या फ़ायदे हैं यहाँ से पढ़ने के। अब हम देख लेते हैं कोर्सेज लिस्ट, तो कौन कौन से कोर्स यहाँ से कर सकते हैं, तो हम UG कोर्सेज के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ से हम देखें तो यहाँ से आप BPharma कर सकते हैं, BPharma, DPharma, BCA, BSc, BCom, BBA, वोकेशनल कोर्स भी यहाँ से कर सकते हैं, BA कर सकते हैं, BSc कर सकते हैं, बायोलॉजी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। और कोर्सेज पे भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जिसमें UG PG कोर्सेज लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ये हमने देखा कोर्सेज लिस्ट देख लिया, अब हम बात करने वाले हैं डोमेन सब्जेक्ट के बारे में, तो किस कोर्स के लिए कौन से डोमेन आपको चॉइस करने होंगे। अगर आप CUET 2024 देना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से डोमेन आपको चॉइस करने होंगे, तो BPharma की बात करें तो BPharma के लिए यहाँ पे आपको केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स यहाँ पे चॉइस करना, अगर आप बायोलॉजी से हैं तो बायोलॉजी और केमिस्ट्री चॉइस करें, मैथ्स से हैं तो मैथ और केमिस्ट्री यहाँ पे चॉइस करें। और यहाँ पे DPharma के लिए भी यही आपको सेम
चॉइस करना होगा। बात करें हम वी वोकेशनल बीबीए बीए बीकॉम के बारे में, तो यहाँ पे सभी कोर्सेज के लिए केवल जनरल टेस्ट आपको चॉइस करना होगा। नेक्स्ट कोर्स हम देखें तो बीसीए यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन और बीएससी, तो इनके लिए सेपरेट आपको चॉइस करने, अगर आप बीएससी जूलॉजी से करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आप सबका अलग अलग है, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आप करना चाहते हैं उनका आप एक सेपरेट वीडियो है, उसमें आप डोमेन सब्जेक्ट देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो आप देख लें। अब हम देखने वाले हैं कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम कब होगा और एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट अनाउंस्ड कर दी गई है जो कि 15 मई को इसका एंट्रेंस, 15 मई से एंट्रेंस एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा। शिफ्ट में पेपर होते हैं, बहुत लंबे समय तक इसके पेपर चलते रहते हैं जो कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है, देश भर के छात्र इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो बहुत ही कॉम्पिटिशन हो जाता है, पेपर भी टफ होने लगा है, तो आप अपनी तैयारी बेहतर करें तो ही आप यहाँ पे प्रवेश पा सकते हैं। अब हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके फरवरी माह में एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा सकते हैं। आप रेगुलर वेबसाइट विजिट करते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जब भी फॉर्म फिलअप होंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत से बच्चे जो फॉर्म नहीं भर पाते, तो आप एक दो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या रेगुलर वेबसाइट विजिट करें तो आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये हमने संपूर्ण जानकारी देख ली कब फॉर्म भरे जाएं। जो फॉर्म हैं वो ऑनलाइन भरे जाएंगे, आप एमपी ऑनलाइन या अदर स्टेट से हैं तो आप एमपी जो कंप्यूटर कैफ़े होता है वहाँ जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ही पेपर देके आप किसी देश की किसी भी विश्वविद्यालय में एडमिशन ले सकते हैं। आप चॉइस करें जब फॉर्म भरते हैं, जो भी आप यूनिवर्सिटी वहाँ पे चॉइस करेंगे उन सभी में आप काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये संपूर्ण जानकारी हमने देखी आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, कौन से कोर्सेस यहाँ से कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने फॉर्म भर दिया तो इसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो क्लियर कैसे करें, एडमिशन कैसे पाएँ। तो हम देखने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट बुक आपके लिए कि आप कैसे यहाँ पे आसानी से एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि देश भर के छात्र यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, कंपटीशन बहुत होता है, तो अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी आपका प्रवेश मिलेगा। तो बहुत से कोर्सेज हैं यहाँ पे, केवल जनरल टेस्ट, उसमें आपको डोमेन सब्जेक्ट में च्वाइस करना है। यहाँ पर जनरल टेस्ट आपको बीए बीकॉम इन सभी कोर्सेज में आपको केवल जनरल टेस्ट ही चॉइस करना है। जैसे कि हम बात करें कोर्सेज की तो बीबीए बीए बीकॉम वी वोकेशनल इन सभी कोर्सेज में जनरल टेस्ट चॉइस करना है। तो जनरल टेस्ट का आप सेपरेट बुक देख पा रहे होंगे, तो इस बुक से आप पढ़कर, ये जनरल टेस्ट का सेपरेट बुक है, केवल ये बुक आप पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो इस बुक में संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी आपको, सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग, बेसिक मैथिक, लॉजिकल एंड एनालिटिक रीजनिंग, सीयूईटी प्रैक्टिस पेपर, पास्ट पेपर, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी इसमें। दूसरी पुस्तक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, वो फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, तो आप ये वहाँ से भी ले सकते हैं, स्टेशनरी से भी ले सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं ऑल इन वन बुक, जैसे कि अगर आप फार्मेसी करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीएससी बीएड, और एक से दूसरी यूनिवर्सिटी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपने चॉइस किया है, तो आप कौन सी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं तो ऑल इन वन बुक है, इसमें आपको संपूर्ण जानकारी एक ही पुस्तक में मिल जाएगी। सेक्शन फर्स्ट हिंदी भाषा मिल जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज, जिसमें से आप एक भाषा आप चॉइस करेंगे तो कोई भी आप पढ़ सकते हैं। सेक्शन सेकेंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, सेक्शन थर्ड जनरल टेस्ट मिल जाएगा, और प्रैक्टिस पेपर, पास्ट पेपर, एमसीक्यू फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो संपूर्ण जो आपका स्टडी मटेरियल है एक ही पुस्तक में मिल जाएगा, दूसरी पुस्तक आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप थ्योरी पढ़ना चाहते हैं तो आप एनसीईआरटी जो आपने क्लास ट्वेल्थ में पढ़ा है, जो बुक हैं आपकी, उससे आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं मिलता है। जैसे कि आपकी ट्वेल्थ के पेपर होंगे उसके थोड़े दिन बाद, यानी कि आपके मार्च के लास्ट तक आपके पेपर होंगे, तो आपको केवल एक ही मंथ मिलेगा अप्रैल का पढ़ने का, मई से आपके पेपर होंगे सीयूईटी के, तो आपको
एक बेस्ट बुक चाहिए तो हमने आपको एक बुक बताई जिससे आप आसानी से जल्द आप तैयारी कर सकते हैं, जिसमें बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये आप देख पा रहे होंगे साइंस ग्रुप के लिए भी ये बुक देख पा रहे हूँ और आर्ट्स ग्रुप के लिए भी ये बुक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे BLLB BA BEd ये बुक जो है आप फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं, स्टेशनरी से भी आप देख सकते हैं अपने आसपास। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।